लिखा था, तो इसलिए हमने हमने कहा एक रिंग दे दे ताकि आपके पास भी सेव हो जाएगा, हाँ और कभी भी इतने नेक काम में आई विल ऑलवेज बी एट योर सर्विस, कभी भी कोई काम हमारे लाइफ हो तो बताइएगा। अरे ये तो अभी सबसे बड़ा काम करना है, बताइए आप क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रण लिया है कि 3 दिसंबर को क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्थित उम्मीदवार जो है सरकार बनाएंगे। हाँ ऐसा हो सकता है क्या? 200%। अरे आप भी वाह आ रही है, सपा भी आ रही है, बसपा सब नीचे आ गए, 4-5 जो है निर्दल जो है छोटे दल आ गए हैं, और ढेर सारे जो है निर्दलीय आ रहे हैं। 21 सर, लक्ष्यों के साथ ये देश बदल रहे हैं साला, ये कहाँ लगते हैं कांग्रेस भाजपा एटसेट्रा। सर 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 यस सर, आप बताइए इनकी क्या औकात है, आप ये 75 सालों के बाद इन्होंने आपके ऊपर कौन से नियम कानून, कौन सा इकोसिस्टम दिया हुआ आपका, जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए भारतीयों को शोषण करने के लिए बनाया था। यस सर, यू आर राइट सर। सुधार के नाम पर जो है इन्होंने क्या अमेंडमेंट्स किए, उसी लाटसाहबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए। अब और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है वो समस्या तो आप ये देखिए, सर। बेचारा केजरीवाल के पीछे पड़े हुए, अरे भाई उसको चुनाव कर लेने दो यार। अरे भैया वो कोई बड़ा अपराधी नहीं है, एक प्रदेश का जो है ना मुख्यमंत्री है, क्यों ईडी यस उसके पीछे लगा के रखी है यार, सब 3 दिसंबर के बाद कर लेना। सर, हमारी जो पीएचडी का विषय है वो है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल हेरिटेज ऑन इंडियन पुलिस, तो वो ये उसमें हमने आपका ये जो विषय जो है, जी इंडियन पुलिस इज ए हेरिटेज ऑफ द कॉलोनियल एरा, उल्टा वही करो लिखा ना है, उसका, इट इज ए हेरिटेज ऑफ द कॉलोनियल एरा, पुलिस है क्या जी। तो हमने वही पीएचडी में हमारा डिस्कर्स ये निकल के आया था, और अब जो है अब डिलीट कर रहे हैं सेम टॉपिक के, थोड़ा टॉपिक हमने बदल दिया है डिलीट का, देखिए और वो देखिए डॉक्टर राजेश ज्वरी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, हम सर विद्वानों ने अपने देश के साथ बहुत दुष्टता की है, गद्दारी की गद्दारी बिल्कुल बिल्कुल दुष्टता वर्ड यूज करेंगे, गद्दारी क्या करना है, कोई किसी दूसरे देश के प्रति थोड़ी किया, अपने देश को अपन ने वो नहीं किया। ये बताइए क्या ये बड़ी अकल की बात है कि इस देश में जो है जो फंडामेंटल राइट था, जिसमें कहा गया था कि किसी जाति धर्म रेस सेक्स और रिलीजन को के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही किया अपने वोट के खातर, और हम सही जैसे कह दुष्ट विद्वानों ने उसे कहा इट इज ए अफर्मेटिव एक्शन, हमें अपनी रहे हैं दुष्टता पे लज्जा नहीं आई कि जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, हाँ इट इज ए दुष्टता का डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है। अफर्मेटिव एक्शन होता है कि आप उसे सामर्थ्य दें, अफर्मेटिव सर एक्शन होता है कि आप उसमें जो है ना मेरिट पैदा करें, ये अफर्मेटिव एक्शन होता है। हम विद्वानों को अपनी दुष्टता पे लज्जा नहीं आती है, हम बेहद ही निर्लज्ज गिरे हुए घटिया लोग हैं, अपने पेट के लिए जीते हैं। यस सर बिल्कुल, तो जिस दिन वो हम ये महसूस करने लगेंगे कि हम घटिया लोग हैं, तो हमें लज्जा आने लगेगी, फिर हम देश हित में काम करेंगे। तो अब आगे का बताते हैं सर, जो जो अब हमने डिलीट का टॉपिक जो है हमारा वो और जी इंटरेस्टिंग, जी उसमें किया है कि टू स्टडी द एडेप्टेशन ऑफ पुलिस थ्योरीज इन वेरियस इन इन व्यू ऑफ चैलेंजेस पोज्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, और अरे इसमें भाई जो साहब जो है टेक्नोलॉजी का यूज करो, टेक्नोलॉजी का भय पैदा मत करो, जो यही टेक्नोलॉजी का मिसयूज करो उसकी संपत्ति जब्त कर लो, जेल में सड़ा दो, कोई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं होगा। यस सर ये इनकैपेबल व्यवस्था है जो सही जो है ना सोच सकती है ना सही निर्णय लेती है, इसमें लोग कौन से बैठे हुए हैं, अनपढ़ गवार बाहुबली दुष्चरित्र अपराधी। वाह सही कह अच्छा पार्टी सिस्टम बनाया जिसने जो है ना आत्म जिसने प्रजातंत्र की हत्या कर दी। अरे भैया यस आपने गंदे लोगों को टिकट दिया, फिर हमको जो यस ना मूर्ख बना के आपने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सब पे अपना कब्जा कर लिया, सोशल मीडिया पे भी को भी नहीं छोड़ा, सोशल मीडिया में जो अच्छा कर रहे थे उनको अपने पेरोल पे ले आया, मतलब जी दुष्टता से कोई जो है ना कमी नहीं है। आप ये यस देखिए इन लोगों ने दुष्टता पूर्वक पैसे दे के झूठे सर्वे कराए, और वो झूठे सही सर्वे को फिर सही साबित करके उसकी पीठ थपथपाई। यस आप सर जो है आम सभाएं क्या करते हो, पेड आम सभाएं, पेड
पैसे देते हो आने जाने के लिए, वाह। आप सही बात दारू बांटते हो, पैसे बांटते हो, फीस बांटते हो, जो है ना फ्री भी बांटते हो, अपने पिताजी की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने पिताजी की है। माननीय शिवराज सिंह चौहान से कहो कि उन्होंने अपनी कौन सी जायदाद बेच दी है, अभी उन्होंने पिछले एक सप्ताह में 3,000 करोड़ रुपए जो है ना कर्ज ले लिया है जी। इन इन दुष्ट राजनेताओं को अपने दुष्चरित्र और ये घटिया चीजों पे लज्जा नहीं आती है, और हम जो है ना घटिया लोग जो है ना इनका समर्थन करते हैं, अपने आप को अंधभक्त और दल गुलाम कहते हैं, हमें अपने चरित्र पे लज्जा आना चाहिए, जो हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने जो है ना मलाईदार पोस्टिंग के लिए जीते हैं, और रिटायरमेंट के बाद जो है ना कहीं के गवर्नर बन जाए, कहीं के कुछ बन जाए, इसके बियॉन्ड हमारा सोचने का चिंतन और समझ ही नहीं है, हम बेहद ही घटिया लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी, आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? तो हमारा तो यही है सर कि एक बार फिर से, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसकी अगले दिन सुबह जरूर होती है, तो ऐसे ही चाहे कितना ही तगड़ा इनका कंट्रोल ना क्यों ना हो गया हो चोरों का इस सिस्टम पर उसकी सुबह जरूर होगी, और उसके लिए जितने भी समझदार लोग हैं जिनको भी लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए, उन्हें जितना जितना कर सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने अरे बिल्कुल नहीं करते हैं, अभी हमारा एक आईपीएस का ग्रुप है रिटायर्ड ऑफिसर का, तो मैंने कुछ डाला उसमें यही सब चीजें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, ये तो आपस में एंटरटेनमेंट करने के लिए है, एक दूसरे के वेलफेयर को जानने के लिए है। तो मैंने कहा थोड़ा समय जो है ना देश हित में भी निकाल लीजिए, पेंशन तो उन्होंने सरकार की ही तोड़ रहे हो। तो इसलिए अपना ये है, मार्टिन लूथर किंग ने जो बोला था कि दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर रुको मत अपनी जगह पर। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ उल्टी बात, यदि डरे हुए हो, सहमे हुए हो, घबराए हुए हो, सताए हुए हो, उत्पीड़ित हो, अपमानित हो, वर्तमान व्यवस्था के अंदर जो ना दबे हुए हो, तो जो है पर्दे के पीछे क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाओ, मैं तुमको महापरिवर्तित भारत दूंगा। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं तुम मुझे मिस कॉल दो मैं तुमको लिंक भेजूंगा, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल तैयार है हम आपके इस मिशन के साथ। चलिए तो सर मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए, पिन कोड डालेंगे तो जो है आप सदस्य बन जाएंगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी प्रोफाइल में ऑटो जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और जो है फिर उसमें जो जब आप प्रोफाइल के आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जाएंगे तो उसमें शेयर ऑन व्हाट्सएप है तो सभी को शेयर कर दीजिए, फिर जो है ना 90 लोगों की सूची निकालिए और उनको आज ही जोड़ दीजिए और शपथ दिलाइए उनसे कि वो शपथ लें, यदि डरे सहमे घबराए हुए हैं तो सदस्य की शपथ लें 90 लोगों को जोड़ने की, और यदि यदि जो है निडर और निर्भीक हैं तो 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ मिनिमम 2 संगोष्ठी भी करें, और संगोष्ठी में पूछें कि क्या अंधभक्त हो या दल गुलाम हो, यदि कोई कहता है कि हाँ हम अंधभक्त और दल गुलाम है तो उनको प्रणाम कहो कि भाई साहब आप जो है ना इस सभागृह को छोड़ दें, फिर उसके बाद उनसे पूछें कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हो, 21 लक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित भारत चाहते हो, मेरा ऐसा सोचना है कि 99% कहेंगे हाँ। फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, डरे हुए हो, सहमे हुए हो, घबराए हुए हो, सताए हुए हो, उत्पीड़ित हो, अपमानित हो, इस व्यवस्था ने तुम्हें कुंठित कर दिया है, तुम्हारा सोच चिंतन और क्षमता जो है पर्दे के आगे आने की इजाजत नहीं देती है, तो पर्दे के पीछे रहते हुए 90 सदस्यों को जोड़ने का संकल्प लो, खुद को जोड़ो, अपने परिवार के लोगों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो, अपने पड़ोसियों को जोड़ो, युवाओं को जोड़ो, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ो और उन संगठनों को जोड़ो जिनसे आप जुड़े हुए हो। यस सर। यदि आप निडर और निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त की शपथ लो, 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ कम से कम 2 संगोष्ठियां करो, मैं आपको महापरिवर्तित भारत, इसी जो है ना 17 नवंबर को जो है ना उसका निर्माण हो जाएगा और 19 को जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन अपने मुख्यमंत्री और पूरे कैबिनेट का जो है घोषणा कर देगा, रिजल्ट 3 दिसंबर को तो बाद में निकलेगा। यस सर, यस सर। चलिए कुछ जोश आया आप में? हाँ नहीं, जोश तो ऑलरेडी बहुत जबरदस्त है सर। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।